हे नमस्कार दोस्तों, विवेक एफएक्स चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए Redmi Note 7 का जो है कैमरा रिव्यू। फ्रेंड्स पूरा जेन्युइन आप लोगों को बताएंगे ये मोबाइल फ़ोन आप लोगों को खरीदना चाहिए इस बजट में। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ये जो है मैं नोट 7, ठीक है, इसमें है आप लोगों को मिल जाएगा 12+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्रंट में आप लोगों को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा। फ्रेंड्स ठीक है, सो फ्रेंड इसका जो है कैमरा रिव्यू आज दिखाएंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे गूगल कैमरा जो है फ्रेंड इसमें एक अच्छी बात है वो है कैमरा टू एपीआई इसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, आप लोगों को कोई रूट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लोग जो है गूगल कैमरा को यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप, वीडियो में बने रहेगा और आप लोगों को गूगल कैमरा में फोटो का रेजोल्यूशन कैसा है, फोटो खींचेंगे तो कैसा मिलेगा आउटपुट, उसके बाद इसका जो इनबिल्ट जो कैमरा है एमआई का उसमें से फोटो खींच के आप लोगों को दोनों कंपैरिजन दिखाएंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ फ्रेंड, इसमें जो कैमरा टू एपीआई सपोर्ट करता है तो आप लोग गूगल कैमरा से अच्छा फोटो खींच सकते हो। फ्रेंड्स ये मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड पहले आप लोग गूगल कैम को इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर ब्राउजर ओपन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग जो है गूगल कैम फॉर रेडमी 7, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को सामने जो है यहाँ पर Xiaomi Redmi Note 7 सपोर्ट कैमरा टू एपीआई, ठीक है, इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डाउनलोड का, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक देगा जो है वहाँ से जाकर आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आप लोग लिंक लेके आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए ये कैमरा टू एपीआई वाला गूगल कैम, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो है ये वाला, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में, कुछ इस तरह आप लोगों को इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स क्या करना है नहीं करना है वो आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो में बना देंगे। आप लोगों को जो एमआई का जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है उसमें भी आप लोग सेटिंग करेंगे तो फिर बढ़िया पिक्चर आप लोगों को खींच देगा, ठीक है। तो फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कुछ फ़ोटो, ठीक है, जो मैं गूगल कैमरा से खींचा हूँ और डिफ़ॉल्ट कैमरा से भी खींचा हूँ, ठीक है। वीडियो भी आप लोगों को दिखाएंगे जो वीडियो फुटेज इसमें आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को जो है फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजर है कि नहीं, वीडियो स्टेबलाइजर फ्रंट रियर दोनों में है कि नहीं आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ये जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है, ये जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है इसमें आप लोग जो है यहाँ पर वीडियो में क्लिक करेंगे तो वीडियो में क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर जो तीन डॉट है, तीन डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टाइम लैप्स और स्लो मोशन का यहाँ पर आप लोग जो है ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टाइम लैप्स का भी ऑप्शन आप लोग को मिल जाता है, टाइम लैप्स वीडियो भी आप लोग खींच सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं दिन पे यहाँ पर खींचा था गूगल कैम का और एमआई कैम का, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दिन में यहाँ पर खींचा हूँ एमआई कैमरा से और यहाँ पर गूगल कैमरा से। उसके बाद यहाँ पर मैं रात को यहाँ पर एमआई कैमरा से और गूगल कैमरा से खींचा हूँ, आप लोग देख सकते हैं फ़र्क। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट स्क्रीन फ्लैश से खींचा हूँ गूगल कैम और रियर कैम से। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं स्क्रीन फ्लैश से खींचा हूँ फ़ोटो। उसके बाद ये एकदम लो लाइट में फ्लैश से खींचा हूँ एमआई कैमरा से। देन यहाँ पूरा का पूरा ये अंधेरा था, एमआई का नाइट मोड से खींचा हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा अंधेरा में एमआई का कैमरा से खींचा हूँ। सो गाइस ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये बैक कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, ये पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ स्टेबलाइजर है, नहीं हिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। सो फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं फ्रंट कैमरा से हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कम बजट में मोबाइल फ़ोन बहुत बढ़िया है, आप लोग खरीद सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को जो है वीडियो स्टेबलाइजर मिल जाता है। सो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, इसी तरह वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना
और इस मोबाइल फोन को आप लोग खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग खरीद सकते हो। और इसका जो है गेमिंग जो एक्सपीरियंस है, गेमिंग के में लैग करता है या बैटरी परसेंट कितना होता है, आप लोगों को मैं पूरा का पूरा वीडियो बना के दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड इसमें बहुत सारा ऐड आता है फ्रेंड्स, MIUI 10, इसमें जो है बहुत सारा ये यहाँ पर ऐड आता है। वो ऐड कैसे बंद कर सकते हो, कोई भी MIUI 10 कोई भी मोबाइल फोन का एड्स कैसे बंद कर सकते हो, इसका डेडिकेटेड वीडियो में बना देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब इसका 7 है, Redmi 7, Redmi 5, Redmi 6, सब में MIUI अपडेट आ गया है। सो सब में ऐड जो है आएगा फ्रेंड्स, ऐड्स कैसे बंद करेंगे अब लोगों को दिखाएंगे। सो इस वीडियो को पसंद तो लाइक और शेयर जरूर करना, मैं मिलता हूँ इससे वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।